दोस्तों, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि HP TET की नोटिफिकेशन जो है वो निकलने वाली है। मुझे कैसे पता लगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो HP TET की तैयारी कर रहा है वो दोबारा से तैयारी करनी स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये जल्द से जल्द जो है नोटिफिकेशन आ सकती है HP बोर्ड की कि HP बोर्ड HP TET ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दोस्त आपका शुभम शर्मा। तो आज हम बात करेंगे HP TET नोटिफिकेशन के बारे में। तो HP TET जो ऑर्गेनाइज करता है वो करता है आपका HP बोर्ड धर्मशाला। तो वो नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स और पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, ये सारे के सारे TET जो है निकालता है। जैसा कि आपको पता है कि हर साल दो बार TET होता है। इस साल जो है कोरोना की वजह से जून का TET नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में जो HP बोर्ड है विभाग, वो HP TET की जो डेट्स है वो निकालने जा रहा है। और उसके लिए उसे सरकार से मंजूरी चाहिए। तो अभी HP बोर्ड ने सरकार के पास एक लेटर लिखा है कि हम इस साल TET करवाएंगे और हमें इस चीज़ की मंजूरी चाहिए। तो देखिए, जो जून का TET होगा वो जल्द से जल्द हो सकता है सितंबर, अक्टूबर में, अगस्त में भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको बता दूं, आपके जो TET की तैयारी कर रहा है वो दोबारा से TET की तैयारी करना स्टार्ट कर दे, चाहे वो नॉन मेडिकल हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो उर्दू हो, संस्कृत हो, पंजाबी हो। तो ये TET की तैयारी कर दे स्टार्ट, JBT की तैयारी भी कर दे स्टार्ट, ठीक है। तो HP बोर्ड आपको पता है कि ये ऑर्गेनाइज़ करता है। तो इनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने सरकार को एक खत लिखा है, लेटर लिखा है, उसमें HP TET को करवाने की मंजूरी मांगी है। अब जब तक सरकार इस HP TET को करवाने की मंजूरी नहीं देती, तब तक ये TET नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको बतानी थी कि सरकार जो है इस साल का TET ऑर्गेनाइज़ करवा सकती है अगर वो मंजूरी दे, ठीक है। तो HP बोर्ड जो है वो मंजूरी लेने के लिए सरकार के पास गया है, उन्होंने लेटर लिखा है। तो अब देखते हैं कि कब तक ये TET की नोटिफिकेशन निकालता है, कब अगर इनको सरकार जो है TET की मंजूरी देती है, TET करवाने की मंजूरी देती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की मंजूरी देती है। तो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं HP TET की, तो वो आप करनी स्टार्ट कर दीजिए, दोबारा से रिवीजन करनी स्टार्ट कर दीजिए और मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़े रहें, जहां पर HP TET और HP TGT की तैयारी होती है और HP PGT की तैयारी होती है। तो यहाँ पर मेरे सारे के सारे लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, नीचे वहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं रात को 9 बजे डेली जो है वीडियो अपलोड करता हूँ, एक नया जो टॉपिक लेकर, ठीक है। तो आप वहाँ पर उसको देख सकते हैं। तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स जो हैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ये बता दूँ कि HPSSC की जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको बता दूँ कि सिलेबस में थोड़ा सा कन्वर्जन हुआ है, ठीक है। TGT मेडिकल, TGT आर्ट्स, TGT नॉन मेडिकल, पहले बोला गया था कि 120 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे और 50 क्वेश्चन आपके GK के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव मतलब यानी कि नॉन मेडिकल है तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स उसमें आएगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि वो अब उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। 170 क्वेश्चन में आपको कुछ भी हो सकता है, 80 क्वेश्चन GK के भी आ सकते हैं, तो 80 क्वेश्चन साइंस के भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो पैटर्न उन्होंने चेंज कर दिया है। इस पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो HP TET की नोटिफिकेशन दोबारा से आ सकती है अगर सरकार मंजूरी दे तो, ठीक है। उसी के साथ साथ HP बोस जो है आपका जो है JBT या DLED का कोर्स जो है वो करवाने जा रहा है, ठीक है। JBT या DLED का कोर्स, तो उसका एंट्रेंस जो है होएगा टेस्ट, तो एंट्रेंस टेस्ट जो है वो भी आपका धर्मशाला बोर्ड ही करवाता है। तो उसमें भी काफ़ी सारी सीटें दी गई है, कम से कम 1000 सीटें तो होती है। तो ये आपको याद रखना है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, ठीक है।
तो HP टेट नोटिफिकेशन दोबारा से निकल सकती है अगर सरकार मंजूरी दे तो, एक बार दोबारा बता दूँ, ठीक है, क्योंकि अभी सरकार को लेटर लिखा है बोर्ड के डायरेक्टर ने, तो ये आपको बताना था। बाकी कोई अगर नोटिफिकेशन होगी तो आपको मैं बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।